सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर व्हाट चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइस, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोग को 2023 का सबसे बेस्ट वन क्लिक फोटो एडिटिंग ऐप यहां पर बताने वाला हूं, जिसमें गाइस आप लोग हर तरह का यहां पर फोटो एडिटिंग यहां पर कर सकते हो, जैसे कि मैनिपुलेशन कर सकते हो एंड बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो एंड सीवी फोटो एडिटिंग कर सकते हो, मतलब भाई हर टाइप का आप लोग एडिटिंग यहां पर कर सकते हो। तो वो ऐप कौन सा है और कैसे यूज करना सब कुछ आज के इस नए वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप लोग को ऐसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज गाइस आप लोग इस वाला वीडियो को आज तक लास्ट तक जोर से देखते रहिएगा, और अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और या चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर देगा डेली इस तरह का न्यू फोटो एडिटिंग का देखने के लिए। तो फिर विदाउट एनी टाइम गाइस, लेट गेट स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। ओके सो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपने फोन में गाइस प्ले स्टोर एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को यहाँ पर, और देन यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा सर्च बॉक्स के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा लाइट एक्स एप्लीकेशन यहाँ पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, जो कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर LIGHT और एक्स देखिए आप लोग यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर एक बार सर्च करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का एक एप्लीकेशन खुल के आएगा, जो कि गाइस देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, तो आप उस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं इस वाला एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करते हैं, क्योंकि मैं पहले से यहाँ पर डाउनलोड किया हूँ। तो जैसे आप लोग इस वाले एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि गाइस देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा नीचे सारे में आप लोग का मतलब एक प्लस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले प्लस के ऑप्शन में एक बार क्लिक करके फोटो के ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग को जिस फोटो का एडिट करना होगा उस वाला फोटो को आप लोग सिंपली से यहाँ पर एडिट कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने इस वाला फोटो को यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर गाइस ओपन कर लिया हूँ, जो कि देख ही सकते हो गाइस आप लोग यहाँ पर। मैं आप लोग को जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग का मतलब नीचे साइड में आप लोग का एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा जो कि पेंसिल टाइप का होगा, तो इस वाला पेंसिल के ऑप्शन में एक बार आप लोग क्लिक यहाँ पर कर लीजिएगा। तो जैसे आप लोग पेंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग सामने बहुत सारे मतलब टूल खुल के आ जाएगा, जो कि गाइस देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर पर आप लोग को मिलेगा एक फिल्टर का एक ऑप्शन, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा इस वाले फिल्टर के ऑप्शन पर एक बार आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। और फोर नंबर पर आप लोग को लाइट फिल्टर नाम से आप लोग को एक इफेक्ट मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर इस वाले इफेक्ट को यहाँ पर चूज कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से, और सिंपल यहाँ से आप लोग इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो मैं अभी आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ हमारे फोटो के अंदर मतलब कितना ज़्यादा चेंजिंग यहाँ पर आ चुका है। अब फिर से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं पेंसिल के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर पर आप लोग को आर्टिस्टिक नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर इस वाला टूल के ऊपर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, बट ये ऑप्शन आप लोग कोई भी काम करना ही है, मैं आप लोग यहाँ पर दिखाता हूँ। जो लोग मतलब पेंटिंग वगैरह करते हैं उसके लिए मतलब ये टूल है, तो आप लोग यहाँ पर इसको एक बार यहाँ से बैक कर लीजिएगा और फिर से यहाँ पर टूल के ऑप्शन में एक बार क्लिक कर लीजिएगा। और तो थर्ड नंबर पर आप लोग को सेल्फी नाम से आप लोग एक टूल मिलेगा, तो इस वाला सेल्फी के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो गाइस ये टूल बहुत ही मतलब शानदार टूल है, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग का मतलब मिलेगा यहाँ पर स्मूथ नाम का एक ऑप्शन, तो इस वाला स्मूथ के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर आप लोग क्लिक यहाँ पर कर लीजिएगा। और गाइस मैनुअल के ऑप्शन पर एक बार आप लोग क्लिक करके कुछ स्टेप से अपने फोटो को यहाँ पर आप लोग जूम कर लीजिएगा, और अपने स्किन को आप लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आप लोग यहाँ पर स्मूथ कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोग यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से हमारा स्किन यहाँ पर स्मूथ हो रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो को मतलब फास्ट करके मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेता हूँ गाइस। सो गाइस मैंने इस वाला टूल का यूज करके काफी बेहतरीन तरीके से अपने मतलब स्किन को यहाँ पर स्मूथ कर लिया हूँ, जो कि मैं थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। देख ही सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कितना मतलब अच्छे तरीके से हमारा स्किन यहाँ पर स्मूथ हो चुका है। तो अब सिंपली यहाँ से उसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं इस तरह से। अब थर्ड नंबर पर आप लोग का एक शार्पनेस नाम से एक ऑप्शन मिलता है, इस वाला शार्पनेस के ऑप्शन में एक बार आप लोग क्लिक यहाँ पर कर लीजिएगा, और इसको आप यहाँ पर ऑटो के ऊपर एक बार सेलेक्ट यहाँ पर कर लीजिएगा, और इसके अमाउंट को आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग जितना अपने फोटो में शार्पनेस देना होगा अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको 10% के आसपास यहाँ पर कर लेता हूँ, और सिंपली यहाँ से इसको राइट क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइज अब फोर नंबर पर आप लोग का तिथि नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले तिथ के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, और ये टूल कैसे काम करता है मैं आप लोग यहाँ पर दिखाता हूँ। प्रीव्यू के लिए आप लोग को इस एप्लीकेशन के अंदर मतलब दिखाई देगा कैसे मतलब इस वाले टूल को यूज करना है। तो मैं यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ इस तरह से, और कुछ स्टेप से फोटो कॉल का सा जूम करके अपने तिथ के ऊपर हम लोग इस तरह से इस वाला ब्रश को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो हमारा तिथ मतलब व्हाइट होने लगेगा, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। देख ही सकते हो गाइज कितना बेहतरीन हमारा मतलब तिथ लगने लगा है अब, और इसके अमाउंट को भी आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और गाइस अब यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं।
अब सबसे लास्ट में आप लोग का हेयर नाम से आप लोग एक टूल मिलेगा, इस वाला हेयर के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो ये टूल कैसे काम करता है मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अपने फोटो को हल्का सा जूम करके अपने हेयर के ऊपर आप लोग यहाँ पर इस तरह से ब्रश कर लीजिएगा। इस तरह से इस टूल का यूज करके आप लोग अपने हेयर को मतलब ब्लैक या व्हाइट कर सकते हो। आप लोग को जो कलर पसंद आए अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर ब्लैक करने वाला हूँ। इस वाला कलर को यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है और हल्का सा ओपेसिटी को भी यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। और यहाँ से इसको सिंपली से हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं और हम अगेन एडिट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं। और यहाँ से हम लोग इस बार क्या करते हैं, एडजस्टमेंट के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। इस टूल का यूज करके आप लोग अपने फोटो में लाइटिंग वगैरह को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपने फोटो में हल्का सा ब्राइटनेस को यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से। और हल्का सा हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा मतलब इंक्रीज कर लेते हैं। और थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, सैचुरेशन को भी हल्का सा यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से गाइस यहाँ पर कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से इसको हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं। सो गाइस अब मैं आप लोग का बताता हूँ कि ये इस एप्लीकेशन के अंदर अपने बैकग्राउंड को आप लोग कैसे मतलब चेंज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड को वन क्लिक के अंदर चेंज करने के लिए यहाँ पर आप लोग को मिलेगा फिर से यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर एक बार आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग को मिलेगा एक मैजिक कटआउट नाम से आप लोग का एक ऑप्शन, इस वाला मैजिक कटआउट के ऑप्शन एक बार क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ से इसको आप लोग क्या कीजिएगा, पर्सन के ऊपर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग पर्सन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा फोटो का बैकग्राउंड पर वन क्लिक के अंदर रिमूव हो जाएगा, जो कि गाइस देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इरेजर ब्रश के ऑप्शन पे एक बार आप लोग क्लिक यहाँ पर कर लीजिएगा और कुछ इस टाइप से फोटो को हल्का सा जूम करके जो भी आपके फोटो में मतलब आउटलाइन यहाँ पर आ चुका है थोड़ा बहुत, उसको यहाँ पर आप लोग इस तरह से यहाँ पर जूम करके रिमूव कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। अभी यहाँ से आप लोग सिंपली से इसको राइट क्लिक कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का मतलब ऑप्शन आएगा जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग का एक इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इस वाला इमेज के ऑप्शन पे एक बार आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग का एक बैकग्राउंड को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। इस वाला बैकग्राउंड का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से फोटो को जूम करके अपने अकॉर्डिंग हम लोग इस वाले फोटो को यहाँ पर इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट यहाँ पर कर लेते हैं। और गाइस अब यहाँ से इसको हम लोग सिंपली से राइट क्लिक कर लेते हैं। गाइस अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ड्रेस के ऊपर कलर करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से मतलब एडिट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर क्लिक करते हैं इस वाले टूल के ऊपर। और यहाँ से आप लोग का मतलब लेफ्ट साइड में आप लोग का एक प्लस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाला प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग का एक मतलब बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा आप लोग। सो गाइस मैंने यहाँ पर इस वाले पिंक बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड कर लिया जो कि गाइस देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। तो अभी हम लोग यहाँ क्या करते हैं, यूज ओरिजिनल के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं जो कि नीचे साइड में होगा। तो इस वाला ऑप्शन पे एक बार यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से आप लोग का इसको आप लोग कुछ स्टेप से इस वाला बैकग्राउंड को आप लोग जूम कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ से आप लोग का ब्लेंड मोड के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करके इसको आप लोग यहाँ पर मल्टीपल के ऊपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और गाइस यहाँ से आप लोग का कीजिए इसको आप लोग एक बार डन कर लीजिएगा इस तरह से। और यहाँ से आप लोग का कीजिए यूजर ब्रश के ऑप्शन पर क्लिक करके जूम के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करिए कुछ स्टेप से फोटो को हल्का सा जूम करके एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग यहाँ पर इस तरह से इसको इरेज कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। तो मैंने यहाँ पर टाइम देकर काफी बेहतरीन तरीके से अपने मतलब शर्ट के ऊपर इस वाला कलर को यहाँ पर ऐड कर लिया है जो कि गाइस देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर। आप लोग भी टाइम देकर मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली से इसको राइट क्लिक कर लेते हैं इस तरह से। और अब अगले स्टेप के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अपने फेस में हल्का सा लाइटिंग देने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, मतलब फिर से यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्रश के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और कुछ स्टेप से फोटो को हल्का सा जूम करके अपने ब्रश अपने मतलब स्किन के ऊपर हम लोग इस वाला ब्रश को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। और सिंपल से यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बार यहाँ से इसको डन कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से लाइट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके एक्सपोजर को हल्का सा हम लोग यहाँ पर माइनस की ओर यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। आप लोग को जितना परसेंट पर रखना होगा अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं। और गाइस अब यहाँ से इसको सिंपली से हम लोग राइट क्लिक कर लेते हैं।
तो फाइनली गाइस हमारा फोटो बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है, जो कि देख ही सकते हो आप लोग यहाँ पर फोटो गैलरी के अंदर। यहाँ पर सेव करने के लिए अभी आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, शेयर के ऑप्शन पर एक और यहाँ पर आप लोग क्लिक करिए, जो कि मतलब ऊपर साइड में होगा। तो इस वाला एरो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से सेव के ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग अपने फोटो गैलरी के अंदर इजिली सेव कर सकते हैं।